किसी भी Xiaomi फ़ोन का जब मैं रिव्यू करता हूँ तो OS सेक्शन में एक बात तो तय है, मैं ये बोलूँगा कि भाई इस फ़ोन में ना आपको एड्स देखने को मिल जाएंगे एंड इन एड्स को आप डिसेबल तो कर सकते हो लेकिन बहुतों को इसके बारे में पता नहीं होता। तो आज का दोस्तों ये जो वीडियो है ना उस नहीं पता को पता लगाने के लिए बनाया गया है, जहाँ पर मैं बताऊँगा कि कैसे आप अपने MIUI फ़ोन के सारे एड्स को कर सकते हो डिसेबल और फिर एक क्लीन MIUI इंटरफेस का मजा उठा सकते हो। आइए पता लगाते हैं कैसे करते हैं, शुरू करते हैं हम टेक की बात गाइडिंग टेक यानी GT हिंदी के साथ। तो सबसे पहला ऐड दोस्तों जब मुझे दिखता है जैसे ही मैं फोन सेटअप करता हूँ वो तब जब मैं ऐप्स इंस्टॉल करता हूँ प्ले स्टोर से। अब प्ले स्टोर से जब मैं कोई ऐप इंस्टॉल करूंगा उसके बाद फालतू की एक स्क्रीन आएगी जो बोलेगी कि हम भाई ऐप को स्कैन कर रहे हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, गूगल अपने आप स्कैन करके रखता है। तो इस पर्टिकुलर स्क्रीन में Xiaomi आपको दिखाती है एड्स। तो जैसे ही आपको ये पर्टिकुलर स्क्रीन दिखाई दे वहाँ पे आपको ऊपर टॉप राइट हैंड सेक्शन में जाना है एंड फिर वहाँ पे जो क्लाउड स्कैनिंग है और जो भी स्कैनिंग है आपको कर देनी है डिसेबल। इसको जब आप डिसेबल कर दोगे तो प्ले स्टोर के बाद इस पर्टिकुलर स्कैनिंग की जरूरत नहीं है एंड फिर आपको ये एड्स नहीं देखने को मिलेंगे। तो ये तो दोस्तों सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है, इसके अलावा 9 अलग अलग सेक्शंस और भी है जहाँ पे करना है हमको एड्स डिसेबल। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। वैसे अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया ना तो लाल सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करके कर दो ग्रे और बगल में घंटे के आइकन पे भी क्लिक कर देना, बिकॉज Xiaomi हो या कोई भी अदर फोन्स हम कूल वीडियोस बनाते रहते हैं। अब नेक्स्ट जगह दोस्तों जहां पे बहुत तगड़े एड्स देखने को मिल जाते हैं वो है डाउनलोड्स ऐप एंड इस पर्टिकुलर ऐप में आप कुछ भी डाउनलोड करते हो अपने ब्राउजर में तो वो यहाँ पे दिख जाते हैं एंड डाउनलोड तो दिखेंगे एक दो ऐप दिखेंगे 25। तो इन ऐप्स को अगर आप हटाना चाहते हो तो आपको ऊपर जो सेटिंग्स का आइकन है उस पर क्लिक करके जो ऑनलाइन रिकमेंडेशंस का जो ऑप्शन है उसको कर देना है डिसेबल एंड उसको डिसेबल करने के बाद आप देखना भाई क्या क्लीन इंटरफेस, मतलब अगर कुछ डाउनलोड नहीं होगा ना तो वहाँ पे नो फाइल्स दिखाएगा और वो फालतू की ऐप्स और वो फालतू के स्विगी वगैरह के ऐड भी नहीं दिखाएगा। तो यूज़ करने में अच्छा लगता है तो आगे देखते रहो भाई, आपको पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ क्या क्या ऐड्स दिखा रहा है। एंड इसके बाद आप म्यूज़िक प्लेयर ले लो। म्यूजिक प्लेयर में जब आप किसी एल्बम को प्ले करते हो तो एल्बम आर्ट देखना चाहते हो राइट? नहीं, यहाँ पे आपको एल्बम आर्ट दिखेगा 3 सेकंड बट 30 सेकंड के लिए आपको दिख जाएंगे एड्स। तो इसको भी आप कर सकते हो डिसेबल। आपको म्यूजिक जो ऐप है उसकी सेटिंग्स में जाना है, यहाँ पे करना है आपको टैप एडवांस सेटिंग्स के अंदर और फिर अगर आप नीचे आओगे तो आपको दिख जाएगा रिसीव रिकमेंडेशंस, उसको कर देना है डिसेबल और फिर इसके बाद आपको कोई भी ऐड नहीं दिखाएगा म्यूजिक प्लेयर में। यही दोस्तों वीडियो प्लेयर में भी दिख जाते हैं, जब आप वीडियोस देख रहे हो या उस पर्टिकुलर इंटरफेस में आप स्क्रॉल कर रहे हो तो आपको वहाँ पे भी ऐड्स दिख जाएंगे। और ऐसे ही आपको वीडियो प्लेयर की सेटिंग्स में जाना है और वहाँ पे जाकर के जो रिसीव रिकमेंडेशंस होती हैं उसको कर देना है डिसेबल। बट एक बात है भाई, वीडियो प्लेयर अभी भी आपको नोटिफिकेशन ज़रूर भेजेगा हर एक दो घंटे में और इसके लिए जो नोटिफिकेशन वाला ऑप्शन है ना कि नोटिफिकेशन कर दो ऑफ, तो उसको भी दोस्तों आप ज़रूर टिक मार्क करना है, तो वो फालतू की वीडियोज़ के रिकमेंडेशंस देता रहेगा जिसको आई एम श्योर आपको देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों हम फाइल मैनेजर की तरफ एंड जो डिफॉल्ट Xiaomi का फाइल मैनेजर है वहाँ पे भी आपको एड्स देखने को मिल जाएंगे जैसे कि डाउनलोड फोल्डर में देखने को मिलते हैं। तो इसमें भी दोस्तों आपको जाना है सेटिंग्स में इस फाइल मैनेजर की और फिर अबाउट में टैप करके रिकमेंडेशंस को ऑफ करना है, मतलब भाई सेटिंग्स दिए भी हैं तो बहुत अंदर हिडन करके आपको दे रखी हैं कि एड्स अगर डिसेबल करने हैं तो एकदम सामने नहीं दिखाएंगे। एनीवेज इसके बाद आप उस फाइल मैनेजर के एड्स को कर दो डिसेबल, लेकिन अभी भी भाई दिल्ली दूर है और भी बहुत सारी चीज़ें ऑफ करनी है। एंड जो नेक्स्ट चीज़ आपको ऑफ करनी चाहिए वो है जो रिकमेंडेड ऐप्स होते हैं, जब आप शेल्फ पे लेफ्ट स्वाइप करते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें दिखा देता है, क्रिकेट स्कोर्स हैं, ओला उबर आप देख सकते हो, आप नोट्स ले सकते हो और वहाँ पे दोस्तों एक सेक्शन है रिकमेंडेड ऐप्स का। ये कुछ नहीं है, जो फालतू के ऐप्स आपको नहीं चाहिए होंगे वो आपको रिकमेंड करेगा एंड उसको आप नीचे जा करके कस्टमाइजेशन का जो ऑप्शन है आपको एक बटन दिख जाएगा वहाँ जा करके आपको कर देना उसको डिसेबल। नेक्स्ट जाते हैं दोस्तों हम सिक्योरिटी सेटिंग्स के अंदर एंड सिक्योरिटी में भी आपको एड्स देखने को मिल जाते हैं, वो ऑन द फेस नहीं रहते बट आप जब अपने फ़ोन को ऑप्टिमाइज करते हो उस टैप करते हो तो ऑप्टिमाइजेशन के बाद वो आपको नीचे एड्स और रिकमेंडेड ऐप्स दिखाता है। तो इसको डिसेबल करने के लिए आप ऊपर सेटिंग्स में टैप करो और फिर नीचे एकदम नीचे आपको रिकमेंडेशंस के अंदर एक ऑप्शन मिल जाएगा रिसीव रिकमेंडेशंस, जैसा कि ऑलरेडी हर ऐप में हमने देख रखा है, तो ये आप कर दो डिसेबल। तो देखो यही बात है कि Xiaomi का हर एक ऐप खोलो, हर एक सेक्शन खोलो, वहाँ पे रिकमेंडेशंस और नोटिफिकेशन को कर देना है डिसेबल। एनीवेज नेक्स्ट दोस्तों है ब्राउजर के बारे में एंड ब्राउजर भी अगर आप नए टैब में जाओ तो वहाँ पे भाई साहब एड्स की लाइन लगी है, रिकमेंडेड वेबसाइट्स, रिकमेंडेड ऐप्स, फ्लिपकार्ट वगैरह सब आपको देखने को मिल जाएंगे। मेरी
बात मानो तो भाई इस ब्राउजर को यूज मत करना, इस ब्राउजर को कर दो आप डिसेबल। आप क्रोम, ओपेरा वगैरह बहुत सारे हैं उसका आप यूज कर सकते हो, वीडियो के नीचे लिंक दे दूंगा। बट अगर आपको Xiaomi का ब्राउजर यूज करना है तो सेटिंग्स में जाकर के जो ऑनलाइन रिकमेंडेशन वाला ऑप्शन है उसको प्लीज डिसेबल कर लो। एंड ये आपकी प्राइवेसी से भी रिलेटेड है, इनके ब्राउजर्स में बहुत सारे लूपहोल्स हमने देख रखे हैं Xiaomi के ब्राउजर्स में, तो आप दूसरे जो सिक्योर ब्राउजर्स आप उन पे भी स्विच कर सकते हो। तो ये थे दोस्तों वो तरीके जिससे आप MIUI के जो फालतू के एड्स हैं उसको डिसेबल कर सकते हो अपने Xiaomi के फोन में। अब मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक डिसलाइक जो करना है करना, लेकिन अपने दूसरे फ्रेंड्स से ये वीडियो शेयर करना मत भूलना जिनके पास Xiaomi है, आई एम श्योर वो देंगे आपको दुआएं और हमारे पास दोस्तों थम्स अप अपने आप ही आ जाएगा। तो बस दोस्तों आज के वीडियो के लिए इतना, और अपने अगले वीडियो में आप सभी से मिलने की आशा रखते हुए गुड बाय।